कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी करारे गुलगुले। तो चलिए देखते हैं कैसे बनते हैं। देखिए, दो कप आटा है। आप इसको मैदे में भी बना सकते हैं और हाफ टी स्पून सौंफ डालेंगे। सौंफ का फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। 1/4 टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। 1 टेबलस्पून भर के घी डालेंगे। घी से अंदर से बहुत सॉफ्ट और जालदार बनेंगे। और 1/2 कप हम शक्कर डालेंगे। सारी चीजों को अच्छे से मिला लेंगे। इसको हम दूध से सानेंगे। आप जो है पानी से का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आधा दूध आधा पानी ले सकते हैं या पूरा पानी से भी गूंद सकते हैं इसको। तो देखिए, इसको हमने 5 मिनट तक फेंटा है। अब हम इसको 1 घंटे के लिए ढक के रख देंगे और इसको फ्रिज में नहीं रखना है। देखिए, हमने इसको 1.5 घंटा फेंट के रख दिया था। अब हम इसमें नारियल मिलाएंगे। तो नारियल इसमें बहुत अच्छी लगती है, तो जरूर डालिएगा। वैसे आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स पसंद हो वो डालिएगा। हमने काट के डाली है। आप इसको ग्रेट करके भी डाल सकते हैं। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। तो देखिए, हमने नारियल को आटे में मिला दिए। अब इसको चलिए फ्राई करते हैं। तेल गर्म हो गया है। इसको बहुत ज्यादा आपको गर्म नहीं करना है और गैस की फ्लेम को मीडियम टू स्लो रखना है। देखिए, ये इसको तलते हुए 5 मिनट हो गए। अब हम गैस की फ्लेम को थोड़ा बढ़ा देंगे क्योंकि अब हमें ऊपर कलर लाना है। और शुरू में अगर हम तेज गैस पे तल लेंगे तो ऊपर से तो खूब हो जाएंगे, अंदर आटा कच्चा निकलेगा। तो शुरू में आप गैस को स्लो रखिएगा और जब कलर खूब अच्छे से हो जाए 5 मिनट तक तल लीजिएगा, फ्राई करिएगा। उसके बाद में गैस को थोड़ा तेज करके फिर उसको गोल्डन कलर में करना है। इसी तरह से हम सारे तल लेंगे। ये गुलगुले बन गए हैं। बस इसको बहुत इत्मीनान से बनाना है, धीमी आंच पे सेकना। आपके गुलगुले बहुत अच्छे बनेंगे। और मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर कीजिएगा। मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम एक गुलगुला आपको तोड़ के दिखाते हैं। ये देखिए कितना जाल अंदर पड़ा हुआ है।